हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृष्ण। आई एम कंसल्टेंट इंट्री हेड एंड नेक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली। आई एम को कन्वेनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आज हम बात करेंगे स्कार रिवीजन सर्जरी के बारे में। तो बेसिकली ये क्या है, अगर आपके चेहरे पे या कि कोई भी एक्सपोज्ड एरिया में स्कार है और उसको आप हटाना चाहते हो, तो उसके लिए हम स्कार रिवीजन सर्जरी करते हैं। स्कार रिवीजन सर्जरी करने से पहले पेशेंट काफ़ी बार हमारे पास आता है कोई ऐसे मेडिकल मैनेजमेंट या कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेके, उससे उतना रिस्पॉन्ड उसको नहीं आता, तो स्कार रिवीजन सर्जरी के लिए पेशेंट इंटरेस्टेड रहता है। तो उन पेशेंट्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, स्कार जो भी टिश्यू है जो वहाँ पे उसको हटा के फिर से रीऑर्गेनाइज्ड करते हैं और हीलिंग को फिर से प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी देते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊँगा कि स्कार रिविजन सर्जरी कब करना चाहिए। सो स्कार रिविजन सर्जरी के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नॉट बिफोर, मतलब 6 मंथ्स तक वेट करते हैं। अगर सर्जरी आपकी हुई है पुरानी, उसकी वजह से स्कार हुआ है, कोई भी सर्जरी, कान की, नाक की या कोई भी सर्जरी हुई है उससे स्कार है, तो सबसे हम 6 मंथ एटलीस्ट वेट करेंगे। 6 मंथ्स तक अगर नहीं स्कार गया, कई बार वो खुद से कोलेजन ऑर्गेनाइज होता है और उससे स्कार खुद से कम होते रहता है, तो अगर नहीं हो रहा है तो हम करेंगे। या एक और ये है कि हम 6 से 8 सप्ताह तक सर्जरी के बाद इंतज़ार करते हैं। अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है तो हम इन केस में पेशेंट्स को प्लान कर लेंगे स्कार रिविजन सर्जरी के लिए। सो अगर आपको स्कार रिविजन सर्जरी करानी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्लिक करके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के बाद हम आपका स्कार रिविजन सर्जरी प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद।